सफर हो सुहाना। आज ही सनी 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 देखने हम चले प्रदर्शनी प्रदर्शनी। इतनी जोर से ब्रेक मारी। अरे राजू भैया, अरे धीरे चलाओ ना गाड़ी। ओहो मेरा, अरे मेरा टिफिन और मेरे लड्डू। राजू भैया लाल बत्ती होने वाली है, निकाल लो गाड़ी। हाँ हाँ राजू भैया निकालो निकालो जल्दी। अरे अरे राजू भैया जल्दी चलाओ ना। हाँ सुमन मैडम की बस तो आगे निकल गई। हाँ। अरे ये तो रेड लाइट हो गए, इंजन बंद कर देता हूँ। नो आपने तो इंजन भी बंद कर दिया। अरे बच्चों ये सुरक्षा और तेल की बचत के लिए जरूरी है, यही सब तो आज आपको सीखना है। ओ, आज भी दिन है सनी 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 सनी, पहुंच गए हम प्रदर्शनी प्रदर्शनी प्रदर्शनी। आओ आओ बच्चों आओ आओ मिलाओ बचत राम से हाथ। सफर कैसे सुहाना हो यही आज की बात। बचत की बात खपत की बात, पहली बात रहे जो याद। हाँ हाँ तो सुनो, हमेशा गाड़ी सामान्य गति से ही चलाएं। हाँ, 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सबसे ठीक है। तेज गति से हवा का अवरोध बढ़ने से ईंधन की खपत अधिक होती है। हाँ हम तो बिल्कुल उल्टा कर रहे थे। असल बात ये है कि गाड़ी हमेशा सामान्य गति से चलानी चाहिए, इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और यात्रा भी सुरक्षित होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ और दूजी बात जो रखो याद, वो क्या? वो ये बच्चों कि गाड़ी का गियर स्पीड के हिसाब से बदलना है। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम पहला गियर। बिल्कुल। और वो फिर देखो, गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तो दूसरा गियर। और गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तो तीसरा गियर। सही। गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तो चौथा गियर। बिल्कुल सही। और गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तो पांचवा गियर। और बच्चों यदि गाड़ी सही गियर पर नहीं चले तो 20% तक ज्यादा ईंधन की खपत होगी। और एक बात मेरी भी। राजू भैया। हाँ हमेशा क्लच पर पैर नहीं रखना चाहिए, जब गियर बदलना हो तभी क्लच पर पैर रखना चाहिए। बिल्कुल सही ड्राइवर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर समय क्लच पर पैर रखने से ईंधन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही क्लच को भी नुकसान होता है। बिल्कुल सही ड्राइवर जी, बिल्कुल सही। हर समय क्लच पर पैर रखने से ईंधन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही क्लच को भी नुकसान होता है। और हाँ यदि कई लोगों को एक स्थान पर जाना हो तो करो कारपूल का प्रयोग। और हाँ आप कौन? कौन? मैं हूँ बस। बस बस एक अच्छा ड्राइवर पहले से अंदाजा लगा लेता है कि कब रुकना होगा। ओ,
बार बार और जल्दी जल्दी ब्रेक लगाने से तेल की बर्बादी होती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल सही कहा बस ने। और बच्चों इसी तरह जब ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोको तो इंजन कर दो बंद, खास तौर से यदि लाल बत्ती 15 सेकंड से ज्यादा हो तो। अच्छा। पर बचत राम जी एक बात आप मेरी भी बताइए। पूछिए पूछिए। ज्यादा ट्रैफिक वाली रोड पर चलाएंगे तो बार बार ब्रेक भी तो लगाना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे आप ऐसे में? हाँ हाँ बताइए बताइए बताइए, कैसे होगी बचत, है कोई जवाब? प्रश्न तो अच्छा है आपका, है ना जवाब? हमेशा कम ट्रैफिक वाला रास्ता लो, फिर चाहे वो रास्ता थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो। राजू भाई लंबा रास्ता भी सस्ता हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है भाई। अरे भाई तुम सब मुझे क्यों भूल गए? अरे अब ये कौन है? मैं हूँ टायर, मेरे बिना गाड़ी कैसे चलेगी? मुझ में हवा का प्रेशर सही रखो, बचत की बात मुझसे भी सुनो। मेरा प्रेशर सही ना होने पर 10% तक अधिक ईंधन की खपत होती है और मेरी लाइफ। आपकी लाइफ को क्या हुआ? मेरी लाइफ 25% तक कम हो जाती है और मैं जल्दी घिस जाता हूँ। अरे बस की भी तो सुनो कोई। हाँ बस की सुनो सुनो सुनो। मेरी समय समय पर सर्विस कराएं, मेरा एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। हाँ एयर फिल्टर इंजन को धूल से बचाता है। अच्छा। और सही समय पर प्रदूषण जांच कराएं, ईंधन बचाएं। और तो और मेरा इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर समय से बदलिए और सही गुणवत्ता वाला इंजन ऑयल उपयोग कीजिए। अच्छा। हाँ इससे सफर और भी सुहाना होगा। सही कहा तुमने। बिन्नी याद रखो एक और बात। वो क्या? मुझ पर जरूरत से ज्यादा वजन ना डालना, क्षमता से अधिक न सवारी न सामान, तभी तो ईंधन बचा पाएंगे बचत राम। और बच्चों जहाँ तक हो सके कारपूल करना, कहीं जाने से पहले रास्ता ठीक से समझ लेना, और जहाँ तक हो सके बस या मेट्रो से आना जाना, और आस पास तो साइकिल से ही जाना। फिर मिलेंगे, तुम सब फिर आना। बचत की बात खपत की बात, ऐसे सफर सुहाना है यही काम की बात, ऐसे सफर सुहाना है यही काम की बात।